Yes, very good afternoon to all. We are going to learn one more tense in the series of tense. आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टेंस और हमारा अगला जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है इस टेंस को कैसे पहचाने और कैसे ये याद रखें कि पास्ट कंटिन्यूअस ही टेंस है तो हमारी इंग्लिश डायलेक्ट इस पर बेस्ड होती है, हिंदी के ऊपर बेस्ड होती है क्योंकि हम इंडियंस की मदर टंग ही हिंदी है तो हम हिंदी से ज़्यादा कैप्चर करते हैं इंग्लिश को सो और कन्वर्ट करते हैं वहाँ से. तो पहचान क्या है? तो पहचान बच्चों यदि हिंदी किसी सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में क्या हो, रहा था हो, रहे थी तो, रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब मिलेगा. अगर ये मिलता है आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में तो आप कंफर्म कर लें कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. क्लियर है? एग्जांपल के तौर पर रोहन रोहन खेल रहा था, रोहन खेल रहा था. उसके बाद मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रही थी, मैं स्कूल जा रही थी. देख सकते हो आप यहाँ पे वे मैच खेल रहे थे. ये एग्जांपल्स हैं आपकी किसके, वे मैच खेल रहे थे. किसके एग्जांपल हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के. और इन एग्जांपल्स में देखिए लास्ट में रहा था है, रही थी है, रहे थे है. क्लियर हो चुका है ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब अगला जो हमें सीखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में. तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है अलग अलग सेपरेटली यूज होती है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था इससे लास्ट लेक्चर में बच्चों कि बेटा कंटिन्यूअस जो टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसमें ना तो फॉर्म ऑफ वर्ब की बात है, इसकी बात है फॉर्म ऑफ वर्ब की. तो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है. वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? यदि वर्ब के मूल रूप के साथ आईएनजी लगा दिया जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है. क्लियर है? यदि वर्ब की मूल फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है. इज दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब में बच्चों यहाँ पे वाज और वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. एक हेल्पिंग वर्ब वाज है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब वर्ब है, ठीक है बच्चों. अब वाज सिंगुलर के लिए यूज होगी, वो किसके लिए? सिंगुलर के लिए. सिंगुलर क्या हो? सब्जेक्ट होना चाहिए. सिंगुलर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए. क्लियर है? दूसरा वर्ब किसके लिए? प्लूरल के लिए. वर्ब किसके लिए? प्लूरल. प्लूरल क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए. और मैं अपने पुरानी क्लासेस में आपको इससे पहले की क्लासेस में भी सिखा चुका हूँ कि सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं, सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो किससे बनेंगे किसी भी सेंटेंस में, या तो नाउन से बनेंगे या फिर प्रोनाउन से बनेंगे. कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किससे बनता है? या तो नाउन से या फिर प्रोनाउन से. क्लियर है? यस. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? वाज और वर्ब. और वाज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, ठीक है. और मेन वर्ब कौन सी होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म. यस या नो? यस सर. तो यहां तक क्लियर है सभी को? अब आगे जो है
अब हमें सीक्वेंसेस और स्ट्रक्चर करने होंगे। क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंसेस है, स्ट्रक्चर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस और स्ट्रक्चर अभी करते हैं, और इसको भी मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूँ। और इरेज करने के बाद अब हम इसके सीक्वेंस या स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर, तो किस लिए काम आते हैं सीक्वेंस और स्ट्रक्चर? सीक्वेंस और स्ट्रक्चर किस लिए काम आते हैं? ट्रांसलेशन में जब हिंदी से इंग्लिश में हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं सेंटेंस, क्लियर है। इसलिए हमें स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव को ब्रीफ में लिख लेंगे, ठीक है, टी डबल एफ। और अफर्मेटिव जो सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट लिख के आओ, वर्ब और वर्ब लगाओ, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, प्रीपोजिशन रहेगा, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकती है, ऑब्जेक्ट रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। नेगेटिव की मैं बात करूं, सब्जेक्ट रहेगा, वॉज या वर है, रहेगा नॉट रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, ये बाकी सेम रहेगा और फुल स्टॉप रहेगा। अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, इंटरोगेटिव में सबसे पहले वाज या फिर वर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, बाकी एडजेक्टिव्स करके लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस मार्क लगाने से। यदि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है बच्चों तो क्या करना है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमें खासा ध्यान देना है, वाज और वर यहाँ पे एडजेक्टिव्स रहेंगे, और वाज पर रहने के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट लगाओ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाइए, प्लस मार्क लगाने से। उसके बाद डब्लू शॉर्ट वाला सेंटेंस है, डब्लू शॉर्ट प्लस वर्ड या फिर वर्ब दोनों में से एक है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, बाकी एडजेक्टिव्स लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस मार्क। उसके बाद यदि डब्लू एच वर्ड प्लस नेगेटिव है, डब्लू एच वर्ड प्लस नेगेटिव है, तो फिर हमें क्या करना है? बहुत आसान है, वाज और वर लगाना है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगा देना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, बाकी एज इट इज सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट लगाइए, और नॉट लगाने के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाइए, और एज इट इज करके ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये सब सीक्वेंसेस रहने वाले हैं कौन से टेंस में? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्लियर है। अफर्मेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रीपोजिशन एडजेक्टिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करूं, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में वाज वर पहले आ जाएंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो यहां नॉट बन जाएगा, डब्लू एच वर्ड है तो यहां वाज वर आ जाएंगे, और डब्लू एच प्लस नेगेटिव है तो नॉट को लगना है, वर्ब से पहले यहां वाज वर आ जाएंगे। सीक्वेंसेस सबको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, सबको सीक्वेंस क्लियर हो चुके हैं? यस सर। इससे पहले मैंने आपको सिखाया, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स दिए थे, पहचान सिखाई थी आपको, तो वो एग्जांपल्स बोलिए दोबारा से, उसके बाद उसको अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, एग्जांपल्स बोलिए। रोहन खेल रहा था। रोहन खेल रहा था, चलिए अब यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ से आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो रोहन खेल रहा था। ये हमारा पहला सेंटेंस है। देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है? रोहन। पता करने की ट्रिक क्या है? सब्जेक्ट की बता रखी है भूसे कर, ठीक है, तो कौन खेल रहा था? रोहन। तो रोहन यहाँ पे लिख दीजिए, अब सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब आनी, तो हेल्पिंग वर्ब वर्ज और वर्ब में से आनी। रोहन क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? वर्ज, ठीक है। खेलने में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आईएनजी लगा तो वर्ब की फॉर्म
रोहन बाजे ट्रेन। पहला सेंटेंस क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल क्या दिया था? मैं स्कूल जा रही हूँ। तो आई, अब आई के साथ वाज आएगा, कब आएगा? वाज आएगा। आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ये देखिए, ये सब्जेक्ट रहा, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब रही, ये देखिए मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म रही, और ये रही वो प्रीपोजिशन यहाँ पे लगा रखी है, ये रहा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर? सिक्वेंसेस काम कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या एग्जांपल दिया था मैंने आपको? वे मैच खेल रहे थे। वे मैच खेल रहे थे। वे मैच खेल रहे थे। तो देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वे, दे, वे हिंदी में वे, इंग्लिश में दे। अब दे के साथ वर आएगा, वर जाएगा, वर आ जाएगा, दे वर। अब क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग अ मैच, दे वर प्लेइंग अ मैच। ठीक है, बन गई इंग्लिश? समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ? ठीक है। उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं और इसकी यूजेस को सीखते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस हमारा टेंस अभी चल रहा है, और पास्ट कंटिन्यूस में यूज क्या है? यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस क्या है? सबसे पहले देखो, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था टेंपरेरी एक्शन ऑफ प्रेजेंट, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस में क्या है? टेंपरेरी एक्शन ऑफ प्रेजेंट, टेंपरेरी एक्शन ऑफ प्रेजेंट था या टेंपरेरी एक्शन ऑफ पास्ट है। जरूरी नहीं है टाइम को मेंशन कर रखा हो। ठीक है, यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि टाइम मेंशन है या टाइम मेंशन हो चाहे ना हो। ठीक है, ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, बस आपको खासा ध्यान किस बारे में रखना है कि टेंपरेरी एक्शन ऑफ पास्ट है। ठीक है, वैसे मोस्टली किसी सेंटेंस की किसी भी एग्जांपल को देखें उसमें टेंपरेरी एक्शन दिखता ही है। जैसे आई वॉज ईटिंग फूड, मैं भोजन खा रहा था, मैं भोजन खा रहा था, खाना खा रहा था। तो देखिए ये क्या है? टेंपरेरी एक्शन ही है। तो यस या नो? यस। इंसान 24 घंटे नहीं खाता, कुछ टाइम खाता है, टेंपरेरी एक्शन है। तो यस या नो? यस सर। तो टेंपरेरी एक्शन ऑफ पास्ट हो उसके लिए हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस का। और टेंपरेरी एक्शन ऑफ प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्लियर है? और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? देखिए टीचर, उसके बाद टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश, टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश। तो टीचर क्या कर रहा था? अंग्रेजी सिखा रहा था। तो अंग्रेजी सिखाने का उसका क्या था? एक टेंपरेरी एक्शन था पास्ट का। तो यस या नो? परमानेंट एक्शन है नहीं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, वहां पे था, अब देखिए टू एक्ट हो, क्या हो? टू एक्ट हो, यानी टू एक्शंस which carried on. ठीक है, which carried on in past had seen time. कॉन्सेप्ट नंबर टू क्या है? दो एक्शन हो और भूतकाल में एक ही समय पर
दोनों में एक साथ काम हो रहा, तो दोनों के लिए क्या लगेगा? फर्स्ट जो एक्ट है, फर्स्ट जो एक्ट है उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूस, और जो सेकंड एक्ट है ये तो हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड एक्ट है, सेकंड एक्ट है उसके लिए भी कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ये दोनों एक्ट एक ही टाइम पे क्या थे? एक ही टाइम पे ऑनगोइंग थे, क्लियर है? Yes. अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसमें कॉमन याद रखना, ऐसे सेंटेंसेस में वाइल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वाइल, क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट में मैंने करवाया था कि व्हेन और वाइल जब दो काम एक साथ हो रहे हैं पास्ट में उसको दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो वाइल का यूज तो बहुत ज्यादा किया जाएगा, ठीक है। व्हेन का भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे, किसका? व्हेन, क्लियर। अब इसका एक एग्जाम्पल ले, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊँ, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग हाँ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आई वॉज बैटिंग, ठीक है। अब आई वॉज बैटिंग मैं क्या कर रहा था? बैटिंग कर रहा था, आई वॉज बैटिंग, ठीक है। व्हाइल ही वॉज बॉलिंग, मैं क्या कर रहा था? बैटिंग कर रहा था, वो क्या कर रहा था? बॉलिंग कर रहा था, वो बॉलिंग कर रहा था तभी मैं बैटिंग कर रहा था, ये दोनों काम पास्ट में क्या हो रहे थे? एक साथ हो रहे थे, क्लियर है? इज दैट क्लियर? हाँ, और एग्जांपल हो सकता है, आई वॉज डांसिंग while he was singing, while he was singing, वो गा रहा था, मैं नाच रहा था, दोनों क्रिया, दोनों एक्शन पास्ट के अंदर ऑनगोइंग थे एक ही समय, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, टू एक्ट हो, क्या हो? टू एक्ट हो, टू एक्शंस, ठीक है, टू एक्शंस, दो क्रियाएं हो, टू एक्ट हो, टू एक्शंस कैरिड ऑन इन पास्ट, टू एक्शंस कैरिड ऑन इन पास्ट, ठीक है, दो एक्शन जारी थे भूतकाल में। अब देखिए फर्स्ट एक्शन क्या था? फर्स्ट एक्शन पहले से ही जारी था, फर्स्ट एक्शन क्या था? पहले से ही जारी था, फर्स्ट एक्शन पहले से ही जारी था। अब फर्स्ट एक्शन पहले से ही जारी था, तो जारी रहना किसको दिखा रहा है? कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। अगर कंटिन्यूटी को दिखा रहा है तो टेंस कौन सा आएगा? पास्ट कंटिन्यूस, तो यहां पे लिख लीजिए पास्ट कंटिन्यूस। उसके बाद फिर जो सेकंड एक्शन है, सेकंड एक्शन, अब वो क्या हुआ? सेकंड एक्शन अचानक हुआ, सेकंड एक्शन क्या हुआ? अचानक हुआ, क्लियर है? सेकंड एक्शन है अचानक हुआ, सडन हुआ, तो यदि ये सडन हुआ तो फिर टेंस कौन सा लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। टू एक्शंस थे कैरिड ऑन इन पास्ट, फर्स्ट एक्शन
पहले सी जा रही था तो पास्ट कंटिन्यूस, और सेकंड एक्शन सडन हुआ तो फिर पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? उसके बाद जैसे I was writing a book, और उसके बाद when he came in, I was writing a book when he came in. देखो, मैं पहले से एक पुस्तक लिख रहा था और अचानक वह आ गया। दूसरा एक्शन क्या हुआ? सडन हुआ। दूसरा एक्शन क्या हुआ? सडन हुआ। ठीक है, we were reading about uses of past continuous when Vishal came in। हम तो पहले से ही क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अचानक क्रिया कौन सी हुई भूतकाल में? विशाल का आना। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है ये persistent act of past, persistent act of past, यानी भूतकाल में कोई निरंतर होने वाली क्रिया, भूतकाल में ऐसा काम जो निरंतर हो रहा था, लगातार हो रहा था, वहां persistent act of present था या persistent act of past। जैसे हाँ, last year thousands people thousands people were dying। ठीक है, thousands people were dying, okay, due to COVID-19। हाँ, पिछली साल क्या हो रहा था? हजारों लोग क्या हो रहे थे? मर रहे थे। ठीक है, हजारों लोग मर रहे थे। किसलिए मर रहे थे? COVID-19 की वजह से। क्लियर? ओके, तो थाउजेंड्स पीपल डाइंग। ठीक है, थाउजेंड्स पीपल डाइंग। ओके, लास्ट ईयर थाउजेंड्स पीपल वर डाइंग ड्यू टू COVID-19। पर्सिस्टेंट एक्ट था पास्ट का, कौन सा टेंस लगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल को आपको क्लियर करना। ठीक है, एग्जांपल है He was crying throughout the year. He was crying throughout the year. Where?
पिछली साल क्या कर रहा था? पूरी साल ऐसे ही रो रहा था। यस या नो? He was crying from the ear. वह पूरी साल क्या कर रहा था? वही रोना रो रहा। क्लियर है? So persistent act तो किसका? Past का। तो tense कौन सा लगेगा? Past है। Continuous tense लगेगा। क्लियर है? अभी इस क्लास को हम खत्म करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइजेस करेंगे इस टेंस से रिलेटेड और हमारी टेंस की सीरीज से रिलेटेड। सो यस, थैंक्स एवरीवन।